कितना भी लेके आइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भावना है कि जब तक मैं रहूंगा, दुकान रहेगा, शरीर रहेगा, अब तक मैं फ्री पीसूंगा माता का। लोक आस्था का महापर्व छठ आने वाला है और सभी लोग इसकी तैयारियों में लग चुके हैं। चार दिनों के इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाय से होती है, दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है और चौथे दिन उगते सूरज की आराधना के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाता है। खरने के दिन ही गेहूं की पिसाई होती है, जिससे तमाम तरह के पकवान बनाए जाते हैं। खासा ख्याल रखा जाता है साफ सफाई का, खासा ख्याल रखा जाता है आटा चक्की के चुनाव का, क्योंकि लोक आस्था का यह महापर्व काफ़ी संवेदनशील है और इसे लेकर जो छठवर्तियां हैं काफ़ी सजगता बरतती हैं। देखिए, ये आटा चक्की जो है पटना के जक्कनपुर एरिया में है। अब इसे दिखाने के लिए मैं इसलिए मजबूर हूं क्योंकि इस आटा चक्की में काफ़ी सेवा भाव से और काफ़ी ही साफ सफाई से जो है छठ पर्व के लिए गेहूँ की पिसाई होती है। ये इस आटा चक्की को चलाने वाले हैं। कब से आप इस आटा चक्की को चला रहे हैं? ये हम तो 2016 से लेकर 2022 अभी तक चालू है और इसके पहले मेरा 1996 से दुकान है। इसके पहले मेरा भूंजा सत्तू का दुकान था और 2016 से इस लाइन में हम जुड़े हुए हैं। और वो जब से दुकान खुली है, वब से चैती छठ और कार्तिक छठ में निःशुल्क पीसते हैं, कोई सेवा नहीं रहता है। 4 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक पिसाई करते हैं। इसका कोई भी चार गो तीन गो मिल के हम लोग वर्किंग अपना करते हैं, फैमिली मिल के। सफैया में भी कोई तरह नहा खाए के दिन हम लोग सफैया करते हैं और खरना के दिन 4 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक पीसते हैं। अच्छा, तो मतलब खरने के दिन जो गेहूँ की पिसाई होती है उसमें आप निःशुल्क पीसते हैं, एक रुपया भी चार्ज नहीं लेते। तो चाहे कितना भी गेहूँ है, कितना भी लेके आइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना जो वर्क है जो अपने करते हैं, हर एक मनुष्य अपना अपना भावना से दान करते हैं। और मेरा भावना है कि जब तक मैं रहूँगा, दुकान रहेगा, शरीर रहेगा, अब तक मैं फ्री ही पीसूँगा माता का। तो वर्कलोड तो काफ़ी बढ़ जाता होगा उस दिन? वर्कलोड बढ़ता है, लेकिन सब माता का आस्था का प्रतीक है कि अपने आप सब वर्क को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। कितने बजे सुबह में खोल देते हैं? 4 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक, 4 बजे भोर में खोल देते हैं। 4 बजे सुबह में खुल जाती है दुकान? जी जी। किन किन एरिया से आते हैं लोग आपके पास? ये आपको बाईपास से भी आते हैं, 70 फीट से भी आते हैं, पकड़ी से भी आते हैं, सिपारा से भी आते हैं, कच्ची तालाब से भी आते हैं, डीबी से भी आते हैं, जहाँ से भी है लोकल आदमी, जहाँ तक जिनको भी अपना हमको भावना प्रेम रहता है वो लोग आके पिसा के अपने जाते हैं। सिर्फ गेहूँ की उस दिन पिसाई होती है और चावल की? चावल भी निःशुल्क? जी जी जी, चावल भी समथिंग 4-5 क्विंटल पिसा जाता है। 40 से 45 किलो के एवरेज में रहता है गेहूँ, और दोनों पिसाई हम लोग फ्री में करते हैं। कम लोग मतलब कम मात्रा में तो लोग पिसाते हैं? जी जी जी। तो कुल मिलाकर मतलब कि एक मन के लिहाज से गेहूँ पिसाई हो जाती है? जी, कम से कम 40 से 50 क्विंटल के एवरेज में रहता है दोनों मिलाकर। अच्छा, क्विंटल रहता? जी जी जी। और कब से निःशुल्क सेवा चल रहा है आपका? जब से हम दुकान खोले वब से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। कब दुकान खोले? 2016 में इस सिस्टम को, दुकान तो मेरा 26 वर्ष होने जा रहा है। अच्छा। लेकिन सिस्टम ये 2016 में इससे हम जुड़े हुए हैं। अच्छा। इस सेवा में हम पिसाई के मसाला के सिस्टम में हम 2016 से जुड़े हुए हैं, अब तक हम सिस्टम अभी तक माता को क्लियर। मैं आपको एक बार दिखा दूं कि इनका सिस्टम देखिए, पूरा तरह से इलेक्ट्रॉनिक है और बिजली बिल आती है बजाब तक, और जो पिसाई होती है आम दिनों की उसमें बिजली बिल के हिसाब से इसकी पिसाई की जाती है और आटा चक्की यही है। लेकिन जो छठ पर्व है उसके लिए इनका सेवा भाव है और खरने के दिन जो पिसाई होती है वो निःशुल्क होती है, चाहे कितने भी गेहूँ हो, कितना भी चावल हो, जो भी लोग आते हैं, जो भी छठवर्ती पूजा करती हैं उनके लिए जो भी गेहूँ की यहाँ पर पहुँचता है, जो भी चावल यहाँ पहुँचता है उसके निःशुल्क पिसाई करते हैं। और कुछ क्या खास है आपके इस दुकान में आटा चक्की में? और खास यही है कि हम लोग कितनों मोटर भी बहुत बढ़िया है कि कितनों भी करते हैं तो मोटर गर्म नहीं होता है और तरह के साफ सफाई का क्या? साफ सफाई हम लोग नहाने खाने के दिन करते हैं, 2-3 बजे लग जाते हैं, 2-3 घंटा में। ऐसे तो हम लोग विश्वकर्मा पूजा के ही दिन सफैया करते हैं, लेकिन उस दिन आपको ये नहा खाए के दिन दोनों पर्व में करते हैं। चैती छठ में भी नहा खाए के दिन करते हैं शाम में, और कार्तिक छठ में भी करते हैं नहा खाने के दिन शाम में। सफैया करके धोना होने के बाद दुकान बंद कर देते हैं, उसके बाद पूजा के बाद ही खाने वाले को पीसते हैं। तो सुबह से तो खरना के दिन आप भी कुछ नहीं खाते होंगे? नहीं, उस दिन हम जूस वूस पीते हैं, दही वही, मतलब वही भोजन नहीं करते, नमक नहीं खाते। हाँ, वही कुछ मतलब काफी ख्याल रखा जाता है साफ सफाई का, भोजन का भी, तो क्योंकि छठ पर्व है तो जी, खरना के दिन तो आप भी नहीं खाते? नहीं, वो जो वही जूस वूस पी लिए, चाहे कुछ भी ऐसा किसी पानी नहीं पी के। काफी मेहनत आपको भी करना पड़ता होगा, सुबह से शाम आपको हो जाते होगा। तो क्या कीजिए, पूरा दुनिया कर रहा है तो हम किए तो क्या किए, पूरा मतलब वर्ल्ड कर रहा है तो हम किए तो क्या किए, इसलिए सब तो बराबर है। अच्छा, कितना खुशी मिलती है कि एक छठ में इस तरह का सेवा? बहुत खुशी मिलती है,
मिलती है कि भगवान से मनाते क्या भगवान ऐसा ही आते रहे सब कोई अपना बिलीन अपना समय से सब पूरा परिवार लगे रहते हैं। हाँ, पूरा परिवार लगे रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शंकर नाम हुआ। या दुकान का एड्रेस बता दें। शंकर मसाला जनता रोड यादव लन गली के पास है जकनपुर। हाँ जकनपुर में जनता रोड इसको बोलते हैं। अच्छा, यारपुर में पड़ता है ये सब। तो देखिए ये यारपुर का ये दुकान है, शंकर नाम हुआ आपका। शंकर जी का ये दुकान है, आटा चक्की है और यहाँ पे पिसाई होती है, आटे की पिसाई होती है, चावल की। छठ पर्व का यह दिन है और छठ पर्व के लिए जो आटे और चावल की पिसाई होती है खरने के दिन का, वो निशुल्क होती है यहाँ पे। तो जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं आ सकते हैं और इस निशुल्क जो इनका सेवा भाव है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इनकी यह निशुल्क सेवा भाव जो है काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इस तरह का जो सेवा भाव है काफ़ी कम देखने को मिलता है। लिहाजा छठ पर्व को लेकर बिहार में इस तरह की सेवा भाव लगातार काफ़ी अर्सों से देखी भी जाती है और आगे भी देखने को मिलती रहेगी। विजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।